सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। ये तो आप सभी को मालूम ही है कि अमेरिका हमेशा से रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ रहा है, और जैसा कि हमने आपको पिछले डिफेंस अपडेट में भी बताया था कि अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि वो हर एक उस देश के खिलाफ है जो कि रशिया के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसी डील करेगा, जिसके चलते US ने टर्की को F-35 प्रोग्राम से भी हटा दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई भी देश रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदे? और अगर आपको इसके पीछे के कारणों को जानने की इच्छा है तो आप हमारी आज की ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले आपको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में कुछ मुख्य बातें बता दें। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रशिया द्वारा बनाया गया अभी तक का सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे फेमस S-75 मिसाइल के मॉडल के आधार पर बनाया गया है, यानी कि वही मिसाइल जिसने सन 1960 में कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका के U-2 स्पाई प्लेन को शॉट किया था। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम 600 किलोमीटर की रेंज तक अपनी पावरफुल रडार के जरिए 300 टारगेट्स को एक बार में ट्रैक कर सकता है, और ये 400 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी हॉस्टाइल एरियल टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता भी रखता है। और ये लगभग हर तरह के एरियल टारगेट, फिर चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, कोई UAV हो, बॉम्बर एयरक्राफ्ट हो, या फिर F-35 जैसा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी क्यों ना हो, उसे भी डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। बाकी अगर आपको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में डिटेल में जानना है, या फिर ये जानना है कि भारत इसे क्यों ले रहा है, तो इसके रिगार्डिंग हम बहुत सी वीडियोस बना चुके हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर, कि आखिर ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से अमेरिका S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ है। तो कारण नंबर एक है बिजनेस, यानी कि व्यापार। पूरी दुनिया में डिफेंस का कारोबार सबसे बड़ा है, और जो भारत है वो डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करने के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। यानी कि भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करने वाला देश है, और आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत किसी भी देश को कितना बड़ा बिजनेस दे सकता है। और जो रशिया है वो भारत का सबसे पुराना और रिलायबल पार्टनर है, क्योंकि भारत एक बहुत ही लंबे दशक से रशियन इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करते आया है। और अमेरिका और रशिया के बीच का रिलेशन शुरू से ही ऐसा है कि दोनों देश शुरू से ही एक सुपर पावर बनने की रेस में लगे हुए हैं, और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते रहते हैं। और इस रेस में भारत अमेरिका के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। और आज के समय में किसी भी देश के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने के लिए हथियारों की बिक्री सबसे अच्छा फॉरेन पॉलिसी टूल है, और इसीलिए अमेरिका पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि वो किसी भी तरह भारत को अपना एक परमानेंट एलाइज बना ले। लेकिन जो भारत और रशिया की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील है, वो अमेरिका की इस योजना में सबसे बड़ा अवरोध है, और इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसी डील में भारत कभी भी शामिल हो। कारण नंबर दो हो सकता है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से साउथ एशिया में पावर इक्वेशन बैलेंस में बदलाव। ये तो आप सभी को मालूम ही है कि जो भारत का चहेता पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, उसमें अधिकतर इक्विपमेंट्स अमेरिका के ही इस्तेमाल होते हैं। और भले ही अमेरिका आज के समय में पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को कम करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये दिखा रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की डील नहीं करना चाहता है, तो भी इसमें इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिका का पाकिस्तान की तरफ ये रुख हमेशा ही रहेगा। और अब अगर ऐसे में भारत रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात करता है, तो इससे दोनों देशों के बीच जो पावर का बैलेंस है वो काफी ज्यादा बदल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास फिलहाल ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो S-400 जैसी डिफेंस सिस्टम का मुकाबला कर सके। और ये बात अमेरिका को कभी भी मंजूर नहीं होगी कि साउथ एशिया में जो पावर बैलेंस बना हुआ है वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से भारत या फिर चाइना जैसे बड़े देशों के पास चला जाए। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान एक समय पे अमेरिका का सबसे बेहतरीन एलाइज रह चुका है। और वैसे भी आपने वो कहावत सुनी होगी कि चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, और चूंकि भारत अब तेजी से तरक्की कर रहा है, तो इसीलिए हर कोई भारत से रिलेशन भी बनाना चाहता है। वरना ये वही अमेरिका है जिसने भारत के परमाणु परीक्षण में भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था। तीसरा कारण हो सकता है इंडियन मार्केट में अपने शेयर को बढ़ाना। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका इंडियन डिफेंस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए काफी गंभीर है, और वो हमेशा यही चाहेगा कि इंडियन डिफेंस सेक्टर में उसका जो शेयर है वो रशिया से ज्यादा हो। पर अगर भारत रशिया के साथ S-400 जैसी डील करते रहा, तो फिर अमेरिका की ये योजना आसानी से पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि आज भी भारत रशिया से करीब 62% आर्म्स को इम्पोर्ट करता है।
और चौथा कारण हो सकता है खुद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। अगर डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अभी तक का बनाया गया सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है और ये अमेरिका के थार और पैट्रियट जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तुलना में कहीं ज्यादा एडवांस है। और जहां S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पहले अमेरिका अपने थार एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर काफी गर्व महसूस करता था, तो वहीं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के आने के बाद से अमेरिका के थार सिस्टम को कोई खरीदना ही नहीं चाहता है। और इसका एग्जाम्पल तब सामने आया था जब अमेरिका ने S-400 के बदले भारत के सामने थार डिफेंस सिस्टम को खरीदने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन भारत ने इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना में हम रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को कोई कॉम्बैट प्रूवन सिस्टम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत के चलते भारत के साथ साथ बेलारूस, चाइना, टर्की, सऊदी अरेबिया, ईरान, साउथ कोरिया, इजिप्ट, इराक, कतार और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने भी दिलचस्पी दिखाई है। हाँ, हमें मालूम है कि पाकिस्तान को लेकर आपके बहुत से कमेंट आएंगे, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी मीडिया चैनल द्वारा पूछे गए सवाल में कहा था कि वे भी S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं और वैसे भी किसी चीज में दिलचस्पी रखने में कोई पैसे नहीं लगते हैं और वो कोई भी कर सकता है। बाकी इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इतना कैपेबल है कि वो अमेरिका की कई सारे एडवांस मशीन्स जैसे कि F-35 जैसे फाइटर को भी शॉट करने की कैपेबिलिटी रखता है और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि दूसरे देशों के पास एक ऐसा सिस्टम आए जो कि उसके एडवांस सिस्टम का मुकाबला करने की क्षमता रखता हो। बाकी आपको बता दें कि हम S-400 सिस्टम के साथ अमेरिका के थार और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दोनों का ही कंपैरिजन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।